गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे और बारिश का एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए, यह है सुबह का टाइम और बारिश को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है। और बारिश हो रही है ये एक दिन पहले से, मतलब एक दिन पहले शाम से बारिश हो रही है और रात भर हुई है और अभी सुबह में भी हो ही रही है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बूंदें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है और ठंड, इस बारिश से ठंड भी खूब हो गई है। और देखिए, छत पे से होके पानी आता है, हमारे यहाँ पनारा बोलते हैं उसे, तो उसमें से होके कितनी तेज़ पानी आ रहा है। और ये देखिए, खूब तेज़ बारिश हो रही है। ये और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ आंगन में, तो आंगन में देखिए, मैंने जाल पूरा ढक दिया था पन्नी से, उसके बावजूद भी मतलब बारिश पन्नी में से होकर के पानी आ रहा है। इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है कि वो पन्नी जो पॉलीथीन है वाइट कलर की, वो मैंने डाल रखी है, वो भी नहीं रोक पा रही है। तो उसमें से होकर के भी, जाल में से होकर पानी आने लगा है और पूरा आंगन गीला हो गया है। और फिर आ गई हूँ मैं रसोई में। मैंने सुबह साफ़ सफाई क्या मतलब झाड़ पोंछ वोंछा तो लगाया नहीं था, मैंने ऐसी झाड़ू लगा दी थी खाली पूरे घर में, क्योंकि समय ऐसे कीच कीच वो हो रही थी, सीलन सी हो रही थी, तो मैंने पोंछा लगाया नहीं। तो फिर मैं उसके बाद लग गई हूँ खाने की तैयारी में। राजक पापा की फरमाइश थी कि खाने के संग में चटनी पीस लेना, उनकी लहसुन की चटनी खाने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पे लहसुन की और टमाटर हरे धनिया की चटनी पीसने की तैयारी कर रही हूँ, वो कर लूँगी। और राजा पापा भी सो ही रहे हैं क्योंकि जग तो गए थे, चाय वाय पी ली, सब काम हो गया था उनका, मतलब चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, लेकिन फिर बाद में जब बारिश नहीं रुकी तो उन्होंने तहसील जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, तो वो अपने लेट गए हैं। उन्होंने कह दिया खाना वाना बना लो तो ये बता देना, तो मैं नहा धो के खाना खा लूँगा। तो मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ खाने की, और मैं चटनी पीसने के बाद फिर मैंने आटा वगैरह मल के रख दिया था, और मैंने फिर जो दो चार बर्तन हो गए थे उसकी मैं उस मैंने माँज मूज के साफ़ करके रख दिया और रसोई को साफ़ करके रख दी मैंने। फिर मैंने रोटी नहीं सेकी थी, मैंने रोटी जब ये नहा धो के तैयार हो जाएंगे तभी मैं रोटी सेक लूँगी। राज अभी लेटा हुआ था, उसे भूख नहीं थी, अभी नाश्ता कर लिया था उसने भी, तो मैंने कहा साफ़ सुथ करके फिर मैं भी बैठ गई थी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था ठंडा, और कोई काम करने का मन कर नहीं रहा था बिल्कुल। फिर मैं भी कम्बल में जाके बैठ गई थी, और बर्तन बर्तन भी मैं ये सारा काम निपटाने के बाद, रसोई वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं बर्तन बर्तन वगैरह माँज लूँगी। और यहाँ देखिए, मैं बर्तन माँजने के लिए आ गई हूँ, मतलब मैंने रसोई वगैरह सब साफ़ कर दी थी और मतलब आटा मल के और सारे काम निपटा के रख दिए, रोटी रह गई थी, बस रोटी मैं जब ही सेकूँगी जब ये दोनों खाएंगे। तो यहाँ मैं बर्तन वगैरह माँज ले रही हूँ, बर्तन माँजने के बाद फिर मैं देखूंगी और क्या काम करना है। और आपकी तरफ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और यहाँ तो भाई बारिश एक दिन पहले से हो रही है, एक दिन पहले शाम से हो रही है, पूरी रात हुई है और दूसरे दिन भी अभी हो ही रही है, और अभी भी मौसम कोई लग नहीं रहा है कि मौसम खुलेगा बहुत ही ज़्यादा। यहाँ देखिए, अब मैं आ गई हूँ, बर्तन मैंने माँज लिए हैं और अब मैं यहाँ पे सब समेट के बर्तन लगा दूँगी, बर्तन लगा के रसोई क्लीन करके तो मैं अपने आराम से बैठ जाऊँगी। और आप लोग बताइए कि आप लोग की तरफ कैसी ठंड पड़ रही है, यहाँ तो ठंड काफ़ी है, अभी पता एक सवा महीना हो गया और मतलब सूरज निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, सूर्य देव को भी इतनी ठंड लग रही है कि वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और ठंड के माँ और ठंड में तो बिल्कुल हाथ चलते ही नहीं है। और यहाँ देखिए, मैं काम भी सब अब निपटा चुकी हूँ, सब सारा काम मैं निपटा चुकी। ये देखिए, मैंने यहाँ पे भी अब ये गैस पे सब साफ उफ करके रख दूँगी, और जब ये लोग खाना खाएंगे तभी मैं खाना सेक लूँगी और तभी मैं खा लूँगी। हम लेडीज़ों का तो यही है, जब परिवार में सबने खाना खा लिया तभी हमें भूख लगती है, फिर हमें भूख नहीं लगती है। और यहाँ देखिए, बारिश के पानी जो आ रहा था जाल में से होके, तो ये पूरे आंगन में पानी हो गया था। तो मैं यहाँ पे ये रसोई का काम निपटाने के बाद फिर मैं ये जाल की मतलब जाल के नीचे के आंगन में पानी खींच ले रही हूँ।
और सोच तो ये रही थी कि अब मैं खाना पीना ये काम निपटाने के बाद तो मैं भी कम्बल में आराम से बैठूंगी और या सो जाऊंगी, आराम करूंगी मैं भी। लेकिन हम लेडीजों के पास आराम तो है ही नहीं, मतलब एक काम निपटता है तो फिर दूसरा काम दिखाई दे जाता है और काम ख़त्म होने में नहीं आता। और जेंट्स लोग का ये कहना है कि हम लेडीज़ घर में करते ही क्या हैं, क्या हमें कोई काम ही नहीं है, ये तो कोई जब करे तो ही जाने कि कितना काम है। हम लोग का काम दिखाई नहीं देता, लेकिन हम लेडीज़ के पास बहुत काम होता है। जेंट्स तो फिर भी छुट्टी कर लेते हैं, उनकी छुट्टी होती है तो आराम करते हैं, हम लेडीज़ों की तो छुट्टी भी नहीं होती है कि एक दिन की अगर छुट्टी मिल जाए तो हम आराम कर लें। और जेंट्स का तो ये कि टाइम होता है सुबह के 10 बजे जा रहे हैं फिर शाम को 5 बजे तक, फिर उनके पास उनकी छुट्टी। हमें तो ना सुबह को छुट्टी, ना शाम को छुट्टी, ना दिन में कभी छुट्टी, हमें तो रात और दिन काम करते रहना। तो यहाँ देखिए मैं वहाँ से आंगन से पानी खींच के आई, आंगन साफ करके आई, तो फिर ध्यान आया कि आटा ख़त्म होने वाला है, तो फिर मैं यहाँ आ गई गेहूँ साफ करने के लिए। तो देखा आपने, मतलब एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं लग गई गेहूँ साफ करने में, और गेहूँ गेहूँ साफ करके देखो फिर कोई और काम दिखाई देता है कि नहीं। फिर याद आया मुझे कि तभी हाँ हमारी बहन का फ़ोन आ गया, छोटी बहन का, तो उसने कर दी हमारी चंदियों की दावत। तो फिर मैंने यहाँ पर गेहूँ साफ तो हो ही चुके थे, काम निपट चुका था, फिर मैंने रोटी सेक एक एक दो दो खाई इन लोगों ने सेक के, फिर मैं आ गई यहाँ पे तैयार होने के लिए, क्योंकि जाना है बहन के घर। दोपहर तो हो ही गई थी, तो फिर अब मैं तैयार हो रही हूँ बहन के घर जाने के लिए। और बारिश भी जब तक रुक चुकी थी तो हमने कहा चलो बारिश तो रुक गई है तो चले चलते हैं, नहीं तो अगर बारिश नहीं रुकती तो नहीं जाते हम लोग, प्रोग्राम कैंसिल कर देते। तो उसने दाल तो भिगो दी थी, तो कह रही दीदी आने की कोशिश पूरी करना। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर मौसम खुल जाएगा तो आ जाएंगे। नहीं कि तो मौसम इसलिए हो गया था, राजा ने मना कर दिया था, राजा का एग्ज़ाम था ऑनलाइन, तो उसने मना कर दिया कि मैं तो जाऊंगा नहीं, तो हम और राजा के पापा दोनों चल दिए। तो देखिए यह बाजार का वीडियो, मैंने थोड़ा सा ले लिया था, तो देखिए जा रहे हैं छोटी बहन के घर को, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे उसके घर पहुँच। तो देखिए यहाँ पहुँच गई हूँ मैं उसके घर पे, उसका गेट खुला हुआ था, उसे जिन्हें मालूम थी कि मैं आने वाली हूँ, तो उसने पहले से गेट खोल के रख दिया था, और मैं पहुँच गई हूँ और वो रख दी है रसोई में। और देखिए बच्चे कितने खुश हो जाएंगे, मैं पहुँच गई तो बच्चे नमस्ते नमस्ते और लिपट जाएंगे। लड़का तो मुझसे इतना प्यार करता है, वो एकदम लिपट जाता है मुझसे। और इस टाइम उसके हस्बैंड की दावत आ जा, तो सेम टोपा हम दोनों थोड़ा मैं दिखाऊं, ये रही और लड़कियां भी आके चिपका रही हैं, ये देखिए और छोटी बहन दिखा रही है दोनों को टोपा। आगे चारों जने आ गए। और इसके साथ ही मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।